एमन बहुत प्यारी है वैसे। हाँ मैं अभी लोगों की ना बात नहीं कर रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये बकवास बातें ना कर, मैंने तोड़ देना। आयशा खान का पता है मुझे तो। हम कपल हैं तो कपल का ही देखेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग, ठीक ठाक हो? अच्छा तो यार, मैं ना अभी कमेंट्स पढ़ रहा था अपने पिछले प्रैंक के ऊपर। तो पिछला प्रैंक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, इमोशनल था। तो उसके ऊपर जो आपने कमेंट्स ऊपर से इतने इमोशनल किए हुए थे, वो मैं तो कमेंट्स पढ़ के मतलब के रोने वाला हो गया था। तो आज मैंने सोचा है कि क्यों ना कोई दोबारा से प्रैंक ही किया जाए, क्योंकि प्रैंक पे आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, आप लोगों की इतनी डिमांड होती है प्रैंक की। तो मैंने फिर से एक प्रैंक सोचा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रैंक आज का कोई इंटेंस नहीं होगा, कोई इस तरह का नहीं होगा, बल्कि मजा आने वाला है आपको, फनी होगा, तंग करूंगा रूज को। अच्छा तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, रूज जो है काम कर रही थी, उसे बुला के लाता हूँ और फिर प्रैंक शुरू करते हैं। क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। काम थोड़ा डिले नहीं हो सकता? क्यों, आप मुझे डेट पे लेके जा रहे हैं? नहीं, वो वीडियो शीडियो बनाते हैं ना, इतने दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई कभी। चलो जल्दी से रेडी हो के आज, आज वीडियो बनाते हैं कोई अच्छी सी, तो फिर काम बाद में कर लेना, ठीक है? बनाना है कि वीडियो बनाना है, क्योंकि अभी आप व्लॉग बना रहे हो। वो मैं आपको बताता हूँ ना, आज मैंने एक तरह डिफरेंट तरह की वीडियो सोची हुई है, वो बनानी है। अच्छा तो रूज हो के रेडी हो के आ गई है, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, मेरी दाढ़ी शाड़ी बहुत बड़ी हुई है, मूछें दाढ़ी बाल छाल बड़े इररेगुलर से हुए हुए हैं। तो बस यही वजह है कि सर्दी होती है यार, तो नहीं टाइम निकलता ये सब करवाने का, और हीटर शीटर लगा के हम बैठ गए हैं, और अब हम वीडियो बनाते हैं, स्टैंड पे लगा लेते हैं इसे। हाँ, ठीक है ना, बनाने की चीज़ पे अभी तक काम नहीं होता। बताता हूँ, सब्र हौसला सुकून कोई पेशेंस है आपने कि नहीं? हर टाइम चलो लगा के आता हूँ मैं अभी। ठंड लग रही है, हीटर लगाया हुआ है तब भी सर्दी लग रही है, क्योंकि आप बातें इतनी ठंडी ठंडी करते हो, हीटर के बावजूद भी, हीटर लगाने के बावजूद ठंड लग रही है। वो बाकी सब बातें छोड़ो, ये कांटा इधर किसने रखा है? ये इसलिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। ये मैं खा रही थी अभी यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर पहले, जब थोड़ी देर पहले बैठ के यहाँ पे खा रही थी, कल को भी यहीं पे पड़ा होगा, परसों को भी इधर ही पड़ा होगा, तो आप उठा देना, अगले साल भी इधर ही पड़ा होगा, उठा देना आप। गाइस हम एक और काम कर रहे हैं, हीटर लगाया हुआ है ना, तो साथ में हम ये कोकोनट ऑयल भी गर्म कर रहे हैं, ये जम जाता होता है ना, और इसकी कोई प्रमोशन नहीं हो रही इधर। अच्छा तो यार मैंने सोचा आज वीडियो पता क्या बनानी है, आज हम ना रिव्यू वीडियो बनाएंगे, वो जिस तरह वो बनाते नहीं होते कोई सॉन्ग कोई ऐसी रिएक्शन वीडियो। हाँ रिएक्शन वीडियो, वो ऐसे बैठ के बस हुआ करना होता है, हंसना होता है, तो वो वीडियो बन जाती है, वो बनाते हैं यार, मजा आएगा। चलो ठीक है। तो यार वो आपको पता है, वो शुएब मलिक ने दूसरी नहीं तीसरी शादी कर ली है, सॉरी दूसरी की, तो हमें दूसरी का पता है, तीसरी कर ली है उसने शादी। मुझे वैसे उसकी दूसरी का भी नहीं पता था, मुझे पहले का भी नहीं पता था, मुझे उन दोनों का पता ही नहीं था। ये अभी जो ढिंडोरा पिटा है ना, तो तब उसके बाद मुझे पता लगा, अच्छा ये भी कोई था। हाँ देखी हुई थी शक्लें, सना जवेद को देखा हुआ था, और वैसे इसने किया सना जवेद से अच्छी, तो वैसे वो सानिया थी इतनी प्यारी, पता नहीं लोगों को क्या होता है ऐसे, मतलब के दूसरी तीसरी शादी, और सानिया मिर्जा अच्छी बड़ी तो है इतनी, मतलब कि वो प्यारी भी है, उसके अलावा फेमस भी थी, सारा कुछ है। तो सना जवेद कौन सा प्यारी नहीं है, वो भी प्यारी, वो नहीं प्यारी, सानिया मिर्जा ज्यादा प्यारी है, उसके सना जवेद को क्या, वो भी मतलब अच्छी है वैसे ही, कह लो ओवरऑल प्यारा, फिर इस तरह जो प्यारा लगेगा उसके साथ शादी थोड़ा कर लेंगे, ये थोड़ा होती है शादी। अब कहने को तो कतरीना भी बड़ी प्यारी है, दीपिका बड़ी प्यारी लगती है, ऐश्वर्या इतनी प्यारी, हाँ, और तो अब उन सब से शादी करने वो कौन है? वो भी है ना। अच्छा मुझे इसलिए नहीं इन चीजों इन सब का पता, मतलब जो कुछ एक्टर्स होंगे जो बड़े फेमस होंगे और मुझे उनका नहीं पता होता, क्योंकि मैं ज्यादातर ड्रामे वगैरह देखती नहीं हूँ, और मुझे इन चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं है। खैर छोड़ो, हम ये देखते हैं। नहीं वैसे मैं कहूँ ना, वो ये ना कहने लग जाए इतनी तो है कि तुझे पता नहीं है इनका कौन है, मैं इंटरेस्ट नहीं लेती इस वजह से। एक तो जो इंस्टा खोलो आगे से लड़कियां ही निकल जाती हैं, तो आप उनको देख, रिएक्शन वीडियो बनानी है हमने। हाँ वही बनाने लगा हूँ। देना किस पे रिएक्शन, कोई सोच के रखी है, लड़कियों पे ही बना लेते हैं ना, मुख्तलिफ ये तस्वीरें वगैरह निकाल के ना, इनका मतलब के कपड़े जिस तरह हो गए, अब ये इसका सूट कितना प्यारा है, इस तरह कर कपल का करते हैं ना, कपल का, कपल को मैंने क्या करना, लड़कियों को करते हैं ना। और बात सुनो इसको क्या मतलब, ये बाद में ये इधर से स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और बाद में ना वीडियो के साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है?
हाँ वो तो ठीक है, मैं कह रही हूँ कपल के करो ना, या तो फिर कपल को क्या करेंगे, फिर हम कपल हैं तो कपल का ही देखेंगे ना, जाहिर सी बात है रिव्यू, और फिर हम किस चीज पर रिव्यू करें। एक मिनट वेट क्लाइंट्स। अच्छा सॉरी यार, वो जरा ना मैसेज आ गया था क्लाइंट का। अच्छा अभी हमने फिर क्या करना है, लड़कियों की ड्रेसिंग वगैरह का रिव्यू करना है। लड़कियों की नहीं, फिर किसकी? कपल है हम रहमान, यार क्या कर रहे हो, मैंने नहीं फिर इस तरह बनाया। यार देखो लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता कपल शपल। मैं भी लोगों की बात नहीं कर रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ। यार फिर भी समझा करो ना। अच्छा चलो ठीक है, कपल्स का निकाल लेते हैं। ठीक है, कौन से कपल को निकाल लें पहले? जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के मतलब फेमस कपल है ना, उनका हम रिव्यू करते हैं ना। सही है, पाकिस्तानी फेमस कपल्स। ओ ये क्या इंजीनियर कपल आ गया। कह रहा था ना इधर अच्छी प्यारी लड़कियां आ रही हैं, इतनी प्यारी प्यारी, तो उनका आराम से कर लेते हैं, इतनी स्वीट स्वीट सी तो है। आपको मैंने घर से बाहर निकाल देना, करना बार बैठ के रिव्यू करना ठंड में। यार नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है। ये देखो इसकी ड्रेस है, ये देखो ये कैसा पोज बनाया हुआ है इसे। वाह याद लग रही है। वाह याद नहीं लग रही। आपको तो ऐसे ही पता नहीं लड़कियों से क्या मसला है ना, दूसरी शादी करने देती है ना लड़कियां देखने देती है। ये वाले देखते हैं, ये आयजा खान है और साथ में इसके कौन है पता नहीं, आयजा खान का पता है मुझे तो। आयजा खान के बहुत ड्रामे देखे हैं यार, इसकी एक्टिंग और जितनी ये क्यूट है और इतनी माशाल्लाह से ये प्यारी है ना, फेस कट इसका इतना अच्छा है और मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट हीरोइन है। आयजा खान के साथ दानिश तैमूर भी बड़ा अच्छा है। नहीं हाँ यार आप क्या कह रही हो, क्या कह रही हूँ, कपल्स को रिव्यू कर रहे हैं ना। आयजा खान की बात करो मेरे साथ, मैं दानिश तो से कह लेना। ठीक है आप करो। आयजा खान के दिल भी है, कहाँ पे है वैसे, इधर था पता नहीं किधर था, याद नहीं आया। मेरे मुँह पे भी है। आपके मुँह पे? नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा एक है उर्वा हुकैन एंड हुकैन नहीं उर्वा हुसैन, यहाँ पे उन्होंने हुकैन लिखा हुआ है, स्टाइल होता है ना फैशन। वाओ और फरहान सईद, वैसे तो इनका मेरे ख्याल में डिवोर्स हो चुका है शायद, पता नहीं। अच्छा रिमर्स आए थे वैसे, पता नहीं अब सच्चा कि नहीं, एक बार सुना था। वैसे उर्वा प्यारी लड़की है, खूबसूरत है। इस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि फरहान ने उसको आईफिल टावर के सामने जो है प्रपोज किया था। उस तरह की लड़की हो तो बंदा मैं कहता हूँ आईफिल टावर घर उठा लाए। बस वो क्या तो फिर मतलब है आपका? सईद की किस्मत है ना, हर बंदे की किस्मत ऐसी थोड़ी होती है। वैसे है प्यारी उर्वा भी, आपके उर्वा फेवरेट है या आयजा फेवरेट है, पहले एक बता दो। नहीं फेवरेट की नहीं, खूबसूरती की बात हो रही है ना, इधर खूबसूरत तो ये ज्यादा ना इसकी। मेरे ख्याल में एक बहन भी है, वो बड़ी प्यारी है। चलो बस रहने दो फिर। सज्जल और अहद रजा, इनका भी डिवोर्स हो गया है। सबके हो गए यार, ये पाकिस्तानी कपल्स ये जो फेमस है ये, इनका तो ज्यादा ही डिवोर्स वाला सिस्टम आम नहीं हो गया। बात तो सही है, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को छोड़ देते हैं, मुझे तो ये सीन नहीं आ रहा कि इतनी खूबसूरत होती है ना वो। वो मर्द भी आप जैसी हरकतें करते होंगे तभी वो छोड़ देती हैं। नहीं सही बात है यार, नहीं सही बात, सही बात है। नहीं सही बात नहीं है, सही बात सही बात है, नहीं है सही बात, सही बात है। बहुत सही बात है, नहीं है सही बात, बहुत सही बात। अच्छा बस करो, मुझे देखने दो। ये एमन बहुत प्यारी है। हाँ ये एमन और मिनाल ये दोनों ही बड़ी मतलब प्यारी लगती है। ये इनका स्टाइल भी बड़ा अच्छा है। अब इनका बेबी भी हुआ हुआ है, बेटा हुआ है एक का। बेबी के बाद भी इतनी फिट तो दिखती है, प्यारी लगती है ना, ऐसे लगता ही नहीं कि इनका बेबी अभी भी वो ऐसे लगती है। क्यों नहीं लगता? स्टार की जिस तरह लड़कियां हैं पता नहीं ये क्या करती हैं, ये बहुत ही प्यारी होती है वैसे है ना। हाँ ये दोनों तो वाकई में बड़ी प्यारी है। शादी करवा दो मेरी इनसे। सहले हंसले एक बार चलो। क्या हंसले मतलब, मैंने बस ये दाढ़ी छाड़ी नहीं सही करवाई, मैं भी करवा लूँ तो मैं किसी हीरो से कम नहीं हूँ, बस कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं होता, मैं चाहूँ तो मैं ये सारी आयजा उजा ये सारी चार शादियां जायज है ना, चारों सेलिब्रिटी कर लो, जाओ कर लो। हाँ जाओ।
यार आप हंस रही हो, आप मजाक समझ रही हो। हाँ ठीक है ठीक है, कर लो कर लो, उसको अंडर एस्टिमेट कर रही हो। सही है कर लो, जाओ जाओ यार। क्या मतलब क्या, आप क्या कह रही हो? देखो फजूल में सुने, देखो आपने तो मुझसे शादी की है ना, तो अगर आप कर सकती हो तो फिर मैंने तो इसलिए शादी की क्योंकि कहते हैं प्यार अंधा होता है। आप तो नहीं अंधी थी, प्यार में सब अंधे हो जाते हैं। जैसे मैं हो गया था, मेरी लाइन मेरी पंच लाइन उठा के उठा देते। मैं अपने मोबाइल पर रखता हूँ, मेरे मोबाइल में बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियों की तस्वीरें हैं, मैंने सेव करके रखी हुई थी डाउनलोड करके। गाइस टॉपिक चेंज हो गया है, अब हम कपल रिव्यू नहीं, हम गर्ल्स रिव्यू कर रहे हैं, ड्रेसिंग रिव्यू कर रहे हैं। इंडियन गर्ल्स के जो है ना वो करते हैं ना हीरोइंस वगैरह, उनकी हीरोइंस नहीं, उन्होंने वो छोटे छोटे कपड़े पहने होते हैं तभी तो। ये बकवास बातें ना कर, मैंने तोड़ देना घर में मुंह दिखाना है कि नहीं। क्या एक तो सारे घर वालों को ऐड किया हुआ है बंदा, कुछ कह भी नहीं सकता। ये चीटिंग है यार, मैं नहीं कह रहा, ऐसे थोड़ी होता, मैं घूम जा रहा हूँ। अब जा क्या रहे, मैंने आपको खुद ही घर से निकाल दिया। आपने मुझे क्यों घर से निकाल देना, वजह हमने ये करना है बस। हाँ मेरा पल्लू गिर गया, सॉरी गाइस। ये इंसान बनो सीधी से, वीडियो बनाने दो मुझे, खुद भी बनाओ। मेरे सामने तो बार बार ये सानिया मिर्जा आ जाती है यार। यार आज मेरे आज कपल रिव्यू और बॉस रिव्यू छोड़ के ना हम सानिया मिर्जा और साथ कौन था उसके, साथ जो शुएब, शुएब मलिक। अच्छा एक और न्यूज, सानिया मिर्जा ने भी शादी कर लिया एक बॉलर से। नहीं है वो भी रूमर्स है, उसका कोई नहीं पता। तो मेरे साथ ही कर लेना वैसे बड़ा अच्छा वो होगा, रिवेंज होगा अगर वो ये वाकई में उस बॉलर के साथ, इंडियन बॉलर के साथ कर लेंगे, फिर जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा ना, वो समझ रहे हो तो उसे खिलाने किसने, शुएब मलिक। अच्छा वो नहीं अब खेलता, खेलता है पर उसकी जगह छुपा कोई नहीं। यार छोड़ो यार, मैं तो इसको देख रहा हूं यार, कितनी प्यारी है, खुद देखो नहीं है प्यारी। प्यारी तो है, बच्चा भी है उसका। कोई नहीं, वैकेंसी खाली है, मैं सोच रहा हूँ मैं अप्लाई कर दूँ। हाँ कर दो कर दो। कैसी बीवी हो आपको तो चाहिए कि आपको, आपने ऐसी बात कैसे की, लड़ो मारो कुटो मुझे, पर आप देख लो कह रही हो खुद जाके कर लो। अब मैं क्या कहूँ इस बात पे, आप मुझे खुद ही बता दे, आप लोग बता देंगे मुझे मेरा इस पे क्या रिएक्शन होना चाहिए अगर मान के कि मैं इससे कर लेता हूँ। यार मैं नहीं खेलूंगा। मैं आयजा, मेरा सारा प्लान ही फ्लॉप कर दिया। मैं आयजा खान से शादी कर लूंगा, मैं आगे अगर कोई बीवी होगी वो क्या कहेगी जा कर ले। मेरी तरफ से जाके कतरीना से कर लो, सलमाना से कर लो। यार आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने सोचा था कि मैं ना आज आप पे प्रैंक करता हूं, मैं आपको तंग करूंगा, आप लड़ोगे मारोगे कुटोगे मजा आएगा, पर आपने सारा मेरा प्लान खराब कर दिया। इसको इसको यकीन ही नहीं है कि मैं किसी हीरोइन से शादी कर सकता हूं। मुझे तो ये बात सोच के भी हंसी आ रही है। या अल्लाह यार, इसने वाकई मेरा प्रैंक खराब कर दिया। कैमरे में देख के हाथ ला दो। मैं नहीं कह रहा, ऊपर से सारे टब्बर को ऐड किया हुआ है, मतलब देख दो ये देखो ऐसे अल्फाज बोल लोगे ना सारों ने फिर आपको कूट दिया। सबने सबने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, बंदा इस तरह का प्रैंक कर ही नहीं सकता। मैं इसे क्या कहूंगा सज लाने के लिए, जो कहूंगा पहले मुझे जूते पड़ जाने वो भी दोनों तरफ से, लाहौर से भी पड़ेंगे और फैसलाबाद से भी पड़ेंगे। मैं कह रहा यार ऐसे तो नहीं चैनल चलेगा, ऐसे थोड़ी प्रैंक होते हैं यार। मैं छोड़ रहा हूँ, मेरा हो गया, ओके बाय, खत्म, टाटा बाय बाय। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जब आप इधर बता रहे थे ना लोगों को कि मैं आज रोज के साथ प्रैंक करने लगा, मैं इधर पानी पीने आई थी, मुझे पता लग गया, इसलिए मैं भी पहले शुरू में एक्टिंग कर रही थी। मुझे मैं देख रही थी करोगे क्या आप, पर अगर ये प्रैंक गोंग गोंग
पर अगर आप ये प्रैंक मतलब मुझे ना भी पता होता ना प्रैंक में, और आप तब भी मुझे कहते कि मैं आयजा के साथ शादी कर रहा हूँ, मैं सानिया के साथ शादी कर रहा हूँ, तब भी मैंने हाँ कह दिया। यार वैसे मुझे भी अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने वाकई ज्यादा लंबी छोड़ दी है, मुझे ना कुछ लिमिट में रहना चाहिए था, मुझे कोई छोटी देखनी चाहिए थी। मैंने तो सोचा कि चलो गुस्सा ही दिलाना, तंग ही करना है, पर आप यहाँ पे दाढ़ी सेट करवाने तो यहाँ तक जाते हैं, आपने उन तक किधर जाना है? बस करो सारी बेइज्जती आज ही कर देनी है मेरी, कुछ कल के लिए भी रख लो, कुछ परसों के लिए रख लो, अभी पता नहीं कितने 100 साल मैंने अभी जीने हैं, तब तक नहीं आती रहती है साथ साथ। ओके गाइस, प्रैंक रहमान के साथ उल्टा प्रैंक हो गया, नेक्स्ट टाइम दोबारा कोशिश करना, कोई बात नहीं। बैक टू बैक प्रैंक करोगे तो ये दिल कर रहा है। इतनी मैंने से हीटर शीटर लगा के सारे सेटिंग करके बैठा था। चलो कोई बात नहीं, नहीं वैसे सानिया मेरे से है प्यार। हाँ आप हंस रही हो, मैं सीरियस कह रहा हूँ। नहीं प्यारी है, मैं तो कह रही हूँ कि वो उन दोनों को, एमन भी क्या नाम है उसका, एमन और मिनाल दोनों ही बहुत प्यारी, बहुत प्यारी बहने है ना, ये सारी आपकी बहने। अच्छा तो यार वैसे वाकई में एक इम्पोर्टेंट बात अब हम कर लेते हैं कि अब आपका प्रैंक तो फेल हो ही गया, तो ये जो डिवोर्स काफी ज्यादा आम हुआ हुआ है, ये इसको इसको कभी भी आपने फॉलो नहीं करना। कोई कपड़ों तो हो लेने दो। दर्द हुआ ना यहाँ पे हुआ ना। बाइक ड्रॉप। यार तुम तो सिंगल हो, तुम इतने गौर से क्यों सुन रहे हो? नहीं अच्छा है ना, इनके लिए सुनना जरूरी है। वो ये है कि मतलब इसको कोई चीज समझ के ना करो, जिस ना कोई स्नैक होता है वो बंदा खाता है, कहता नहीं ये नहीं पसंद आ रहा आप दूसरा स्नैक ले लेते हैं, ऐसे नहीं होता, ये शादी नहीं होती, शादी में दोनों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ये भी नहीं होता कि बिल्कुल बहुत खुशगवार चल रहा होता है या फिर बहुत स्मूथली जा रहा होता है सारा कुछ, वो बात मानता रहता है या ये बात मानती रहती है, ऐसे कुछ भी नहीं होता शादी में, ये लड़ना भी पड़ता है हमें, हम इतना लड़ते हैं। डिवोर्स तो करना ही नहीं चाहिए, वैसे दूसरी शादी कर लो। वैसे तो कर ही सकते हैं सानिया मिर्जा से, जाओ कर लो। वैकेंसी खाली है, जाओ जाओ। यार मैं कर भी सकता हूँ, आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर फिर भी नहीं, ताकि सानिया मिर्जा तक पहुंच जाए, रुके इतना खूबसूरत लड़का कब कहाँ था ये अभी तक, जाओ पहले दाढ़ी सेट करवा कराओ फिर वो कहेगी कम से कम। दाढ़ी वाले ज्यादा खूबसूरत होते हैं कभी, सेट तो करा कराओ ये कि आजकल वो एनिमल चल रहे हैं ना, एनिमल मूवी, तो उसमें भी ऐसे होते हैं दाढ़ी शाड़ी बाल बिखरे, इसी का स्टाइल यही दौर चल रहा है आज। चलो सानिया मिर्जा प्रपोजल एक्सेप्ट प्लीज। चलो अच्छा तो यार ठीक है, मुझे हमें लंबी हो जा रही है, प्रैंक तो मेरा फ्लॉप हो गया है, पर उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा तो आया ही होगा, जो भी है कुछ ऐसी मजाक तो हुआ ही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दी इजाजत, अल्लाह हाफिज बेचारे। अब जाके मुंह धो और दाढ़ी भी सेट करके आओ, सानिया मिर्जा के साथ शादी करनी है।